नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सभी साथी अधिक से अधिक लाइव जुड़े और शेयर करते रहें क्लास को। ये अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा आज का, जिसमें आपके लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति और साथ में दिल्ली जीके के भी क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन पर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। और ये दिल्ली होमगार्ड के लिए भी विशेष क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट में, जिसमें आपको बिंदु आर उसका अध्ययन करवाया जाएगा, उसका विस्तार करवाया जाएगा। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं, लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें। तुलसी गुड मॉर्निंग, मोहित गुड मॉर्निंग, आप जैसे के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हो, थैंक यू भाई मोहित, आपके लिए ही मेहनत है, करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक मैटर अवेलेबल करवाया जाए, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर विस्तार पूर्वक हल कराए जाएं। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। दूसरा जो साथी जो सर ने बैच जारी कर रखा है, प्ले स्टोर पर जाके बाई स्टडी ऐप डालकर आप ये 399 रुपये में होमगार्ड अन्य जो भी हैं उसका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स के साथ पीडीएफ में मिलेगी, टेस्ट सीरीज में मिलेगी और फैकल्टी आपको पढ़ाई रही है एक्सपर्ट। और यदि किसी भी कोई समस्या है तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान सर आपको बता देंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं क्लास में। तो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और अपना पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज की सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजाओं के नाम पर, ठीक है, कहां पर राजाओं के नाम पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन थे। तो अपन को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों कि भारत में राजाओं के नाम पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन थे। ऑप्शन में अपने पास है सुंग, कण्व, इंडो यूनानी या शक। तो बताना है साथियों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपन बात करते हैं साथियों, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे इंडो ग्रीक। कौन से थे साथियों? इंडो ग्रीक। इन इंडो ग्रीक शासकों को ही अपन इंडो यूनानी शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो यूनानी शासक कहते हैं। और इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। किन्होंने चलाए? इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो अपना आंसर मिल गया होगा साथियों कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन से शासक थे। तो वो इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी, यानी कि अपना आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा आंसर हो गया अपना? सी। तो अपन बात करते हैं इसी क्रम में अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना कहता है साथियों कि चतुर्थ कौन सी, यानी कि चौथी, चतुर्थ का मतलब चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। तो अपन इस पर बात करें साथियों, इसमें ऑप्शन दे रखा है अशोक, कालाशोक, अजात शत्रु और कनिष्क। देखो साथियों, चौथी बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? वो कुषाण वंश के शासक, कौन से वंश के शासक? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी साथियों? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। और राजा कौन था? कनिष्क था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। किसने की थी साथियों? वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का भी मिल गया होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति है जो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी और कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? वसुमित्र थे। इसी क्रम में अपना जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों वो देखते हैं क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था। यानी कि इनमें से अपन को ये बताना है कि हर्षवर्धन के जो टाइम पीरियड है 641 ईस्वी, उसमें कौन समकालीन था। ऑप्शन में अपने पास है ताइजोंग, वुजेटियन, रुईजोंग या जुआनजोंग। तो
सभी साथी बताने की जो लाइव जुड़े हुए हैं वो बताने की कृपा करें कि कौन कौन से मतलब कि इसमें ऑप्शन में आंसर क्या होगा। तो रुपेश पंगेल गुड मॉर्निंग भाई, विक्रम डी, रीमा कुमारी सी, बबलू त्यागी गुड मॉर्निंग भाई, ज्योति गुड मॉर्निंग, दमन धनकर गुड मॉर्निंग। सभी साथी लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। तो देखते हैं अपने कि टी का तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। देखो साथियों, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 641 ईस्वी का था। कौन सा साथियों? 641 ईस्वी का शासनकाल किसका था? हर्षवर्धन का था। और हर्षवर्धन के शासनकाल के समय ही हर्षवर्धन ने ताइजोंग जो कि चीन का सम्राट था, जो हर्षवर्धन के समकालीन था, ताइजोंग के दरबार में दूत भेजा। क्या भेजे? दूत भेजे। और ताइजोंग ने भी वापिस हर्षवर्धन के शासनकाल में 3 दूतावास भेजे। क्या भेजे? दूतावास भेजे। तो अपना आंसर निकल के आ गया होगा कि चीनी सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में जो समकालीन था वो ताइजोंग था। कौन साथियों? ताइजोंग था। तो अपना आंसर ए इज करेक्ट। तो ताइजोंग अपना आंसर हो गया। इसी क्रम में अपन चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन कहता है साथियों कि प्रसिद्ध नगर कौन सा? प्रसिद्ध नगर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? देखो साथियों, इसमें ऑप्शन दे रखा है पांचाल, काशी, कुरु या सोरसेन। देखो साथियों, महाजनपद है उसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, कौन सा साथियों? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र से मिलती है। और ऐसा इन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है साथियों? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब अपन देखते हैं कि मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। तो साथियों, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्तरपुर थी। कौन थी? अहिच्छत्तरपुर थी। उत्तरी राजधानी इसकी अहिच्छत्तर थी और दक्षिणी इसकी कांपेल्य थी। कौन सी साथियों? कांपेल्य थी। काशी की जो राजधानी थी साथियों वो बनारस यानी कि वाराणसी थी। कौन सी साथियों? वाराणसी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ के पिता अजितनाथ यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। और जो कुरु है ये साथियों इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी, ठीक है। और सूरसेन है जो मथुरा की थी। कौन से साथियों? मथुरा की। तो अपना आंसर निकल के क्या आया? डी। इस क्वेश्चन का अपना आंसर है वो है डी, किस मथुरा है जो सूरसेन महाजनपद की प्राचीन राजधानी थी। सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं अधिक से अधिक संख्या में। अंजू सर गुड मॉर्निंग, बबलू त्यागी गुड मॉर्निंग, विक्रम गुड मॉर्निंग। सभी साथी क्लास में आंसर देने का भी प्रयास करें। सोनिया नैनीवाल गुड मॉर्निंग, रुपेश पंगल गुड मॉर्निंग। तो अपन चलते हैं इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा जो अपना क्वेश्चन है साथियों वो है कि कल्याण को वेगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? साथियों अपन में यह बताना है कि इनमें से तंगार, त्रिपुरी या ताम्रलिपि में अपन को बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कल्याण को वेगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा तंगार, क्योंकि तंगार उस टाइम कल्याण को वेगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। तो आंसर इज करेक्ट ए, कौन सा? तंगार। बात करते हैं अपन साथियों छठे क्वेश्चन पर। अपना छठा क्वेश्चन है ये आपको बैच दिया हुआ है बाई स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाके आप बाई स्टडी ऐप डाल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, बढ़िया बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जा रहा है, ठीक है। सर ने बहुत न्यूनतम दर पर आपके लिए कोर्स रखा हुआ है। इसको जाके आप अपनी परचेज करके अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। और सुनहरा मौका है अपनी मेहनत को सफल करने का आपके पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना छठा कि मौर्य काल में कौन से काल में साथियों? मौर्य काल में मुद्रा अध्यक्ष के क्या
क्या करते थे, यानी कि अपन को यह बताना है कि मौर्य काल में जो मुद्राध्यक्ष था वो क्या काम करता था, उसके बारे में अपन को आंसर देना है। तो जैसे पहले आंसर इसका ऑप्शन में अपना है वनुपज, बंदरगाहा, वाणिज्य, पासपोर्ट, सभी साथी इसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। निखिल टिकरी, गुड मॉर्निंग भाई। विक्रम सिंह डी, रवि जाट किंग, सभी भाई लाइव को, क्लास को लाइव शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर दें और क्वेश्चनों का आंसर देते रहें। देखते हैं सर साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो साथियों मौर्य काल में जो मुद्रा अध्यक्ष था वो पासपोर्ट जारी करता था, क्या करता था, पासपोर्ट जारी करता था, क्या करता था साथियों, पासपोर्ट जारी करता था। तो इस प्रकार अपना जो आंसर होगा वो डी इज करेक्ट, कौन सा साथियों, डी। तो पासपोर्ट है जो मौर्य काल में मुद्रा अध्यक्ष का काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं साथियों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सातवां कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कल्प सूत्र में वर्णित है। अपन को ये बताना है बलिदान, पारिवारिक समारोह, वर्ण आश्रम या उपरोक्त सभी। तो इसमें से अपन को ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा है जो कल्प सूत्र में वर्णित है। तो साथियों अपन देखते हैं इसमें कि बलिदान बिल्कुल है, पारिवारिक समारोह जिसको ग्रह भी है, ठीक है, और वर्ण आश्रम जो कि धर्म भी है। तो कल्प सूत्र में इन सभी का उल्लेख मिलता है। तो अपना आंसर हो गया डी, यानी कि उपरोक्त सभी अपना आंसर हो गया। तो कल्प सूत्र में बलिदान का भी, पारिवारिक समारोह का भी और वर्ण आश्रम का भी क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो अपना आठवां क्वेश्चन है उसमें देखते साथियों क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य नामक किस गुप्त शासक ने की। तो बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन में अपने पास समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त प्रथम है, स्कंद गुप्त है और चंद्रगुप्त है। तो बताओ साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। सभी साथी इसका आंसर देने का प्रयास करें। सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपकी जहन में एक एक क्वेश्चन को मैं बैठा दूं, इसी के तरह अपन ऐप में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। सभी साथी लाइव में जुड़ जाएं। तो साथियों देखते हैं इसका जो अपना आंसर होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक, कौन से वंश के शासक साथियों, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम करते हैं। कौन करते हैं साथियों, कुमार गुप्त प्रथम ने की, कुमार गुप्त फर्स्ट ने की। तो अपना आंसर निकल के आ गया बी इज करेक्ट आंसर, कि कुमार गुप्त प्रथम है जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और ये गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नवा क्वेश्चन अपना कहता है कि कुषाण वंश, कौन सा वंश साथियों, कुषाण वंश का शासक कनिष्क किसका अनुयायी था। यानी कि ऑप्शन में ए अपने पास जैन धर्म का, हीनयानवाद का, हिंदू धर्म का या महायानवाद का। तो बताओ साथियों क्या आंसर होगा इसका, सभी साथी बताने का प्रयास करें। तो देखते साथियों कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था, बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, कौन सी शाखा, बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, कौन सी साथियों, बौद्ध धर्म की एक थी हीनयान, कौन सी साथियों, हीनयान, और एक थी महायान, कौन सी, महायान। महायान का अर्थ होता है महान, महान आवरण। तो देखते हैं साथियों बौद्ध धर्म का जो कनिष्क है वो महायान शाखा से संबंधित था, कौन सी शाखा से संबंधित था साथियों, तो वो महायान शाखा से संबंधित था। तो अपना उत्तर निकल के आ गया डी कि कनिष्क है तो महायानवाद शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दसवें पे साथियों। दसवां क्वेश्चन अपना कहता है कि निम्नलिखित में से कुषाण सम्राटों में से कौन भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। तो बताने का प्रयास करें साथियों। पहला ऑप्शन अपने पास विमा कर्फिसेस, दूसरा अपना विमा तक्तु, तीसरा ऑप्शन अपना सी है वो है वासिका, और चौथा है वो है कुजला कर्फिसेस। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें कि कौन से कुषाण सम्राट ने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। तो अपन इस क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला
भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला कुषाण शासक वीमा कटफिशेस था। कौन था साथियों? वीमा कटफिशेस था। तो अपना आंसर निकल के आ गया है कौन सा साथियों? वीमा कटफिशेस। तो आंसर ए है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा हो गया साथियों? वीमा कटफिशेस है जिसने कुषाण सम्राटों में भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाले ये पहले शासक थे। नेक्स्ट अपने 11वें क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। 11 क्वेश्चन है कि दिल्ली में लोकसभा, यहाँ पर दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताओ साथियों, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। सभी साथी क्लास को शेयर करते रहें ताकि अन्य साथी भी क्लास का लाभ उठा सकें। तो देखते हैं साथियों, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों, दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 सदस्य होते हैं। दिल्ली में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 7 सदस्य दिल्ली में लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां। 12वां कह रहा है कि दिल्ली में राज्यसभा, कहाँ पर? दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि इस क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली में राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 3 सदस्य, 2 सदस्य, 5 सदस्य या 4 सदस्य। तो बताओ, दिल्ली में राज्यसभा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बताओ साथी। तो अपन बात करते हैं कि दिल्ली में राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं साथियों? 3 सदस्य चुने जाते हैं। तो दिल्ली की लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 7 सदस्य। तो 7 सदस्य लोकसभा के और 3 सदस्य किसके हो गए? राज्यसभा के साथियों। तो अपना आंसर निकल के आ गया ए इज करेक्ट, यानी कि 3 सदस्य हैं तो दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बतानी अपन को कि दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में अपने पास है 10, दूसरा ऑप्शन अपने पास 30, तीसरा है 70 और चौथा है 50। तो बताओ साथियों सभी कि दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों अपन बात करते हैं इसके आंसर पर। दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या, इसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? 70 है। कितनी है साथियों? 70 है। तो अपना आंसर निकल के आ गया 70। तो कौन सा ऑप्शन है 70? 70 सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट, यानी कि दिल्ली की विधानसभा में 70 विधानसभा सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अपना 14वां क्वेश्चन है, ये आपके लिए बाई स्टडी ऐप है जो हम प्ले स्टोर पर जाके बाई स्टडी ऐप से आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हो और कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, नोट्स के साथ PDF दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाई रही है। और किसी भी यदि बंधुओं को कोई समस्या है तो स्क्रीन पर जो ये नंबर दे रखे हैं इन पर सर से वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां जो कहता है कि दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो बताओ साथियों, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? सभी साथी बताने का प्रयास करें कि दिल्ली में कुल कितने जिले हैं। तो साथियों, दिल्ली में अपन इसके आंसर की बात करते हैं तो साथियों, दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। कितने जिले हैं साथियों? दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। कितने जिले हैं साथियों? दिल्ली में कुल 11 जिले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अपना आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं साथियों, दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितनी है? दिल्ली में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो साथियों बताओ, दिल्ली में नगरों की कुल संख्या है वो है 110। कितनी साथियों? दिल्ली में 110 नगर हैं। कितने नगर है साथियों? 110 नगर हैं। तो अपना आंसर हो गया बी इज करेक्ट, यानी कि दिल्ली में कुल नगरों की संख्या 110 है।
सोलह क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दिल्ली में गांव की संख्या कितनी है, यानी कि दिल्ली में कितने गांव की बस्तियां हैं, यानी कि दिल्ली में गांव की बस्तियां कितनी हैं। तो बताओ सभी साथी कि दिल्ली में गांव की संख्या कितनी, गांव की बस्तियां कितनी है, 187, 113, 110 या 112। तो साथियों अपन इस क्वेश्चन का आंसर हल करने का प्रयास करते हैं, और दिल्ली में जो गांव की संख्या है साथियों वो है 112। कितने साथियों? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दिल्ली में कुल कितनी तहसील हैं। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें कि दिल्ली में कुल कितनी तहसील हैं, 34, 76, 33 या 87। तो सभी साथी बताएं कि दिल्ली में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो अपन इसका आंसर निकालते हैं साथियों कि दिल्ली में कुल 33 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं साथियों? दिल्ली में कुल 33 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 33। तो अपना आंसर क्या हो गया साथियों? सी, यानी कि 33 है तो दिल्ली में कुल तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा, राजा दिल्लू किस वंश का शासक था। तो अपन को बताना है कि राजा जो दिल्लू था ये कौन से वंश से था। तो सभी साथ ही बताने का प्रयास करें कि ये चौहान वंश से था, तोमर वंश से था, सूर्य वंश से था या मयूर वंश से था। तो बताओ दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा और राजा दिल्लू कौन से वंश से संबंधित था। तो अपन देखते हैं कि राजा दिल्लू है जो साथियों तोमर वंश से संबंधित था। कौन से वंश से साथियों? तोमर वंश से संबंधित था। तो राजा जो दिल्लू है साथियों वो तोमर वंश से संबंधित था। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? बी, बी इज करेक्ट आंसर, तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बताया, यानी कि दिल्ली को बिल्कुल स्थायी रूप से किसने बसाया। चौहान राजपूतों ने बसाया, परमार राजपूतों ने बसाया, तोमर राजपूतों ने बसाया या इनमें से किसी ने नहीं बसाया। तो साथियों दिल्ली को विधिवत रूप से, कौन से रूप से साथियों? विधिवत रूप से किसने बताया सबसे पहले? तो साथियों को बताया तोमर राजपूतों ने। किसने? तोमर राजपूतों ने दिल्ली को विधिवत रूप से बसाने का प्रयास किया। तो अपना आंसर इज करेक्ट, सी, सी अपना आंसर सही है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये आप कोर्स परचेज कर सकते हो 399 रुपये में, बाई स्टडी जो अपना चैनल है, प्ले स्टोर पर जाके आप इसको बाई स्टडी डाल के ऐप को लॉगिन कर सकते हो और कोर्स को परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आनंद उठा सकते हो। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, जिससे अन्य साथी भी अपनी क्लास में सभी साथी उत्तर देने का प्रयास भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20वां, कौन सा साथी? 20वां। देखते हैं साथी 20वां क्वेश्चन अपना क्या कहता है। रीमा कुमारी जी बता रही हैं सी, बिल्कुल सही है, करेक्ट रीमा कुमारी जी। अब देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किन शासकों के द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का रखा। तो बताओ साथियों इनमें से किस शासकों के द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का रखा। तो पहला ऑप्शन है अपने पास राठौड़ राजपूतों के द्वारा, चौहान राजपूतों के द्वारा, नागवंशी राजपूतों के द्वारा या तोमर राजपूतों के द्वारा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि दिल्ली को 736 में बसाया, इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का कौन से वंश के द्वारा रखा गया। तो साथियों चलो अपन सॉल्व करते हैं इसका आंसर। तो यह है दिल्ली या तोमर राजपूतों के द्वारा इसका नाम दिल्ली रखा, इसका तोमर राजपूतों के द्वारा, तोमर राजपूतों के द्वारा इसका नाम दिल्ली रखा। क्या रखा साथियों? तोमर राजपूतों के द्वारा इसका नाम दिल्ली का रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन 21वें पे। 21वां क्वेश्चन अपना कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल, इनमें से बतानी है कि कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। ऑप्शन में अपने पास निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड या मंगोलाइड या नॉर्डिक। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें कि कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। अब हम देखते हैं, देखो साथियों भारत की सबसे प्राचीन जो नस्ल है या सबसे पुरानी जो नस्ल है, कौन सी सबसे प्राचीन नस्ल है, वो है साथियों नेग्रिटो। कौन सी? नेग्रिटो। और ये नेग्रिटो अंडमान निकोबार में पाई जाती, कहाँ पे पाई जाती है साथियों?
अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। और वर्तमान समय में यह जो जाति है ये विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त के कंगार पर है, विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में यह जो है वो विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है साथियों? विलुप्त हो चुकी है। तो अपना आंसर निकल के आया ए, नेग्रिटो है जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और भारत की सबसे पुरानी नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों, 22वें पे। 22वां क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए, यानी कि अपन को इनमें से गलत जोड़ा इंगित करना है, कि गलत छांटना है कि कौन सा गलत है। बैरासी उच्च प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, सोलाल प्रोजेक्ट, ये सोलाल नहीं सिलाल प्रोजेक्ट है। कौन सा साथियों? सिलाल है जो कि चिनाब नदी पर है। सिलाल सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। तनाकोल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है। या कोयला कारो प्रोजेक्ट बिहार में है। तो सभी साथी इसका आंसर देने का प्रयास करें। एंजल जी बता रही है सी तुलसी उत्तराखंड, डी डी सही है सभी साथी। तो अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है। तो साथियों जो कोयल कारो प्रोजेक्ट है ये बिहार में ना होके झारखंड में है। कहाँ पर है साथियों? झारखंड में है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया इसमें, कौन सा गलत है? डी, ये बिहार में ना होके कहाँ पर है साथियों? झारखंड में। तो इसका आंसर अपना हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि 23वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। मतलब बताना है कि कौन सी नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है। ऑप्शन में अपने पास है रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज या राजीव सेतु। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि कौन सी नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। तो साथियों अपन इसका आंसर हल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा है। साथियों भारत का सबसे लंबा पुल है जो बिहार में, कहाँ पे साथियों? बिहार में गंगा नदी के ऊपर, कहाँ पर साथियों? गंगा नदी के ऊपर है, जो कि हाजीपुर को, किसको? हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। किससे जोड़ता है साथियों? पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। और इसके ऊपर जो बना पुल है बिहार में गंगा नदी के ऊपर, उसको कहते हैं महात्मा गांधी सेतु पुल। क्या कहते हैं साथियों? महात्मा गांधी सेतु पुल कहा जाता है। महात्मा गांधी सेतु पुल कहा जाता है। तो अपना आंसर इस कौन सा होगा? महात्मा गांधी सेतु पुल, यानी कि बी आंसर अपना करेक्ट है। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 24वां क्वेश्चन है, बताना है अपन को कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बताना है, ऑप्शन में अपने पास है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। अपन को बताना है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। अब देखते हैं साथियों अपन इसका आंसर हल करते हैं कि एशिया की पहली जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में है। और इसका नाम है संजय जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है साथियों? इसका नाम है संजय जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है साथियों? संजय जल विद्युत परियोजना। तो अपना आंसर क्या निकल के आया साथियों? आंसर निकल के आया बी, कि हिमाचल प्रदेश में संजय जल विद्युत परियोजना है, जो कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। मीनू शंकर कह रहे सर राजा दिल्लू मयूर वंश का था। राजा दिल्लू मयूर वंश का था। मौर्य मयूर वंश को तोमर वंश के नाम से भी जाना जाता है। मीनू जी एक बार आप चेक कर लेना। एंजल भी बता रही है। अब अपन देखते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। कौन सा साथियों? 25वां, कि भारत में अमिनी देवी, कौन सा? अमिनी देवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं ये कोरल के लिए या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जलीय खेल के लिए या परिवार द्वीप रीफ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों अमिनी द्वीप है। कौन? अमिनी देवी ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर साथियों? लक्षद्वीप समूह में स्थित है।
लक्षद्वीप समूह में स्थित है, और लक्षद्वीप समूह में आपको पता है यहाँ पर कोरल रीफ, जिसको अपन परवाल भित्ति कहते हैं, कोरल रीफ जिसको परवाल भित्ति कहते हैं, वो पाई जाती है। तो अपना आंसर क्या निकल के आया साथियों, कि जो अमीनी द्वीप है जो लक्षद्वीप समूह में स्थित है, यह परवाल द्वीप यानी कि कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर इज करेक्ट। इसी के क्रम में अपन 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 26वां क्वेश्चन अपना है कि बराक घाटी, कौन सी घाटी साथियों, बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में अपने पास है नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। इन ऑप्शनों में से अपन को बताना है कि बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। सभी साथी इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखो साथियों, बराक घाटी है ये बराक नदी पर स्थित है। कौन सी पर? बराक नदी पर। और बराक नदी साथियों वो असम में बहती है, ठीक है, कहाँ पर? असम में बहती है, जिसका इस बराक असम में इस पर जो सिलचर है वो इसका महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा साथियों? सिलचर इसका महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा साथियों? सिलचर है जो इसका महत्वपूर्ण स्थल है। तो बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। तो आंसर अपने पास क्या है? बी इज करेक्ट, बराक नदी पर स्थित है। 27वें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं साथियों। 27वां क्वेश्चन अपना कहता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बताओ साथियों, अपने पास ऑप्शन में गोवा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, गोवा और मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों बताओ, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, यानी क्षेत्रफल के और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। तो साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर, कौन से आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है वो मिजोरम है। कौन सा साथियों? मिजोरम है। सोहित मिश्रा डी, दमन धनकर ए, सही है साथियों। तो देखते हैं अपन गोवा और मिजोरम, तो गोवा और मिजोरम कौन से ऑप्शन में मिलते हैं? तो सी ऑप्शन में मिलते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य गोवा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है, आप प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप के माध्यम से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, और जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध होंगी, नोट्स मिलेंगे, उनके साथ पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाई रही है, बेहतरीन कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, और किसी भी साथी की कोई समस्या हो तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे सर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, वो कहता है, कह रहा है, भारत में सर्वाधिक रबड़ क्या साथियों? रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, यानी कि अपन को यह बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन अपने पास है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि भारत में सर्वाधिक रबड़ है जो किस राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। तो अपन देखते हैं, देख साथी, भारत विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ है जो थाईलैंड और इंडोनेशिया में, विश्व में सर्वाधिक जो रबड़ है साथियों वह थाईलैंड और इंडोनेशिया में होता है। कहाँ पर होता है? थाईलैंड और इंडोनेशिया में होता है। और भारत में सर्वाधिक जो रबड़ है साथियों, भारत का रबड़ उत्पादन में भी तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और ये 9% रबड़ का उत्पादन करता है। और भारत में सर्वाधिक जो रबड़ है साथियों वो केरल में उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? केरल में। तो अपना ऑप्शन में देखते हैं केरल, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट, भारत में सर्वाधिक जो रबड़ है वो साथियों केरल में। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन कहता है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है। अपन को बतानी है कि मानस जो नदी है साथियों वह किसकी सहायक नदी है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में अपने पास नर्मदा, दूसरा है गंगा, तीसरा है सिंधु और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें कि मानस नदी है जो किसकी सहायक नदी है। तो देखो साथियों, मानस नदी है यह
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी नदी है सहायक? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अपना आंसर इज निकल के आया डी। डी इज करेक्ट आंसर, यानी ब्रह्मपुत्र जो मानस नदी की सहायक नदी है। तीसरे क्वेश्चन पे अपन बात करते साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अपन को बताना है इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां और सह्याद्री की पहाड़ियां। यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट, जैसे कि साथियों ये है, यानी कि पूर्वी ये वाला भाग और पश्चिमी ये वाला भाग, यहाँ जो आकर मिलती हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जिसपे पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो साथियों यहाँ पर जो आकर मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं, और ये नीलगिरी की पहाड़ियां साथियों केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में स्थित है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया साथियों? सी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, 31वां। 31वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1885, 1895, 1865 और 1890। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो अपन देखते हैं साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को की गई, और इसका स्थापना करने वाला जो जिसका नाम था वो था ए ओ होम। कौन साथियों? ए ओ होम। ए होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। सभी साथी क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो अपना आंसर क्या निकल के आया साथियों? ए, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति ए ओ होम था। कौन था साथियों? ए ओ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता का किस युग में पड़ती है, यानी कि अपन को ये बताना है कि कौन से काल में सिंधु सभ्यता का घाटी को इसमें रखा जाता है। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। साथियों प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव को न तो लिपि का ज्ञान था न पढ़ने का ज्ञान था, यानी कि वह इस स्रोत के लिए प्राचीन पर यानी कि पुरातत्व स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं साथियों जिसमें मानव के पास लिपि तो थी, बस लिखना भी जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था, तो उसको कौन सा काल कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें मानव के पास लिपि भी है, पढ़ना भी जानता है, यानी कि जो वर्तमान युग है वो कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता को साथियों आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। कौन से काल में साथियों? आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अपना ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय साथियों सिंधु सभ्यता के समय मानव है जो लिपि को लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ नहीं पाता था, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है और उसी कालखंड में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट जो अपना 3300 क्वेश्चन है साथी उस पर बात करते हैं। 3300 क्वेश्चन साथी अपना कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है, यानी कि कौन सा आश्रम ऐसा है जो इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की अपन को जानकारी देता है। ऑप्शन में अपने पास है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों ब्रह्मचारी आश्रम है 0 से 25 वर्ष का होता है, गृहस्थ आश्रम है जो 25 से 50 वर्ष का होता है, वानप्रस्थ आश्रम है जो 50 से लेके 75 वर्ष का होता है, और संन्यास आश्रम है जो 75 से लेके 100 वर्ष का माना जाता है। तो सभी साथी आंसर देने पड़े कि आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास होता है, तो साथियों वो होता है ब्रह्मचारी आश्रम। अब कौन से आश्रम में साथियों? ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, और जिसका समय है 0 से 25 वर्ष। तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया? ए, ए इज करेक्ट
करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अपन चौतीसवें क्वेश्चन पे चलते साथियों। चौतीसवा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में, कौन से संविधान में, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया जाता है, भाग दो में, भाग तीन में, भाग चार में और भाग पांच में। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो साथी अपन बात करते हैं इस पर कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार है साथियों वो 12, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और ये संविधान के भाग तीन में इनका उल्लेख मिलता है। कौन से भाग में साथियों? तीन में इनका उल्लेख मिलता है। और इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? साथियों संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग तीन को कहा जाता है। आर्टिकल 15 से 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख मिलता है। तो अपना आंसर क्या हो गया साथियों? तीन, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों का क्या मिलता है साथियों? उल्लेख मिलता है। 35वें क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों अपना कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, यानी कि इनमें से बताना है कि संसार का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, कमल, रेफ्लिसिया, केकट्स या रजनीगंधा। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। अपन देखते हैं साथियों संसार का सबसे बड़ा जो फूल है वो है रेफ्लिसियस। कौन सा साथियों? रेफ्लिसिया। कौन सा? रेफ्लिसिया। और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों? इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो फूल है साथियों वो रेफ्लिसिया है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार अपना आंसर इज बी, यानी कि रेफ्लिसिया। अब चलते हैं साथियों अपन 36वें क्वेश्चन पर कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है, यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तो ऑप्शन में अपने पास है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। तो देखते साथियों इसका उत्तर क्या होगा। दिल्ली के कुछ सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। देखिए साथियों 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश का शासन आता है। किसका? गुलाम वंश का शासन आता है। और गुलाम वंश का शासक बनते ही सबसे पहले कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। कौन बनता है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। और यह लाखों का दान करता था इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। किसकी नींव रखी साथियों? कुतुब मीनार की नींव रखी। और इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया साथियों? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। और ऐसा माना जाता है कि 1210 में ये चौगान यानी कि खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी। तो इस कारण किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? तो कौन सा है साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, यानी कि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उनको कौन उनका संकलन करता है? तो योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें कि भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन है वो करता है CSO। कौन करता है साथियों? CSO यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर अपना क्या हो गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन है वो कौन करता है साथियों? डी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय का आंकलन संकलन करता है। 39वां क्वेश्चन है 38वां कि चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। अपन को ये बताना है कि चमगादड़ है जो अंधेरे में किस कारण उड़ते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वह अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर बच्ची उन पर आक्रमण कर सकते हैं। सी ऑप्शन में है कि वे रोशनी की क्रोध उत्पन्न करते हैं। और डी है कि वे परासर पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो साथियों देखते हैं कि चमगादड़ है वो अल्ट्रा वाइट रेड किरण के कारण रात में अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, यानी कि परासर पर ध्वनि तरंगे के कारण वो रात में उड़ सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट।
अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण वो रात में उड़ते हैं। तो आंसर अपना डी इज करेक्ट। 39वां आंसर देखते हैं कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। ऑप्शन में है गुआना, जापान, इंडोनेशिया और सूरीनाम। इनमें से बताना चाहती हूँ कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो देखिए साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा जापान। कौन साथियों? जापान, क्योंकि जापान है जो कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो आंसर क्या होगा साथियों? बी इज करेक्ट आंसर। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन अपन देखते हैं साथियों, वो है 40वां, कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। यानी कि संघीय व्यवस्था कौन से देश से ली गई है। ऑप्शन में अपने पास यूएसए, यूके, कनाडा या स्विट्जरलैंड। तो सभी साथी बताने का प्रयास करें आंसर। भारत में साथियों संघीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है साथियों? ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अमेरिका से लिया गया है साथियों मौलिक मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है साथियों? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। यूके से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ठीक है साथी, क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, यानी कि कनाडा है जो संघीय व्यवस्था की योजना लागू की गई थी। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा आपको? इसी पर सुभाष भाई, राम राम। सभी रोज इस प्रकार के सेशन आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे आपकी निरंतर प्रैक्टिस होती रहे और क्वेश्चनों को आपका लेवल भी पता लग सके। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। सभी साथी, जो दिल्ली होमगार्ड का जो अफसर ने कोर्स लॉन्च किया है 399 रुपये का, बाई स्टडी ऐप, प्ले स्टोर पर जाके बाई स्टडी ऐप डालकर आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी, और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाई रही है। और किसी भी कोई को समस्या हो तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर सर से बात कर सकता है। जय हिंद साथियों, जय।